नमस्कार सभी किसान भाइयों और कृषि विद्यार्थियों का मैं सोनू कुमावत एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गेंदे की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है। और गेंदे की नर्सरी अगर अपन बढ़िया तरीके से तैयार कर लेते हैं तो जो है पौधे हमेशा के लिए जो है स्वस्थ रहते हैं। अगर पौधों के अंदर रोग बीमारियाँ नहीं होती हैं तो उत्पादन जो है बहुत अच्छा अपने को मिलता है। तो आज हम जो गेंदे की आजकल बड़े प्रचलन में और अच्छी किस्में जो चल रही हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। एक किस्में हैं और इन किस्मों का नाम, एक तो आपकी टेनिस बॉल है जिसके पीले कलर के फूल आते हैं येलो कलर के, और एक आस्थागंधा किस्म है जिसके जो है ऑरेंज कलर के नारंगी रंग के फूल आते हैं, और फूल इतने बढ़िया तरीके से बड़े बड़े से फूल आते हैं। आप लोग देखोगे ये किस्म बड़ी महंगी आती है बाजार के अंदर। ये किस्म लगभग जो 3-4 ग्राम का एक पैकेट आता है उस पैकेट के 2000 से लेकर के 2500 रुपये तक जो एक पैकेट का लगते हैं। एक पैकेट के अंदर लगभग 1000 बीज आते हैं, तो यूँ मान के चलिए एक बीज के जो है 2 से 4 रुपये तक एक बीज के पड़ते हैं। मतलब तो आपको जब बुआई करनी है तो बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। अगर पौधे मर जाते हैं तो आर्थिक रूप से भी बड़ा नुकसान होता है ना। तो इस तरह से अगर नर्सरी इन किस्मों की या फिर गेंदे की कैसे तैयार की जाती है, नर्सरी तैयार करने के लिए किसान भाइयों सबसे पहले अपन जो है अपने को बेड बनानी होती है जिसको अपन क्यारी कहते हैं। नर्सरी के अंदर लगभग 1 से 1.5 मीटर चौड़ी क्यारी और लंबाई अपन जो है आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं। ऐसी क्यारी को अपन बनाएंगे और ये ध्यान रखेंगे कि क्यारी अगर थोड़ी ऊपर उठी हुई हो, यानी कि क्यारी ज़मीन से अगर 15 सेंटीमीटर ऊंची हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। यानी अगर पानी वानी भर भी जाता है कई बार तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि पौधे उसमें ख़राब हो जाए। नहीं तो क्या, नमी ज़्यादा रहती है ना पौधों में तो उसमें डंपिंग ऑफ या फिर जो है ऐसी तना गलन टाइप की जो है प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ जाती है। नर्सरी में बेड बनाने के बाद बेड के ऊपर जो है लकड़ी से अपन इस तरह से लाइनें खींचेंगे और उन लाइनों के अंदर जो है अपन सावधानी पूर्वक एक एक बीज को अपन उसके अंदर बुआई कर देंगे। बुआई करने के बाद अगर आपके पास अच्छी वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट ऊपर आप भुरका देंगे और इस तरह से भुरकाएंगे जैसे हल्का 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 जो है उनके ऊपर बीज के ऊपर वर्मी कंपोस्ट गिर जाए या फिर बीज हल्के से दब जाए। बीज बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं दबना चाहिए, नहीं तो पौधों का अंकुरण नहीं होगा। तो इस तरह से करके आपको फिर बढ़िया तरीके से उस नर्सरी के ऊपर झारे से पानी देना है, और बढ़िया अगर आप पानी दे दोगे चारों तरफ से पूरा बढ़िया से गीला करो उसको, और उसके बाद फिर जूट की जो बोरियां आती है तो जूट की बोरियों के जो होते हैं वो उनको आप उसके ऊपर ढक देते हैं और फिर से ऊपर पानी दे देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, नमी प्रॉपर बनी रहती है, और ऐसा 2-3 दिन रखने के बाद में उन जूट के जो बोरियाँ आपने उसके ऊपर रखी थी उनको कपड़े को सावधानीपूर्वक आपको उठा लेना है, ठीक है। अब 3-4 दिन बाद में आप देखो कि हल्का 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 जो है अंकुरण उसके अंदर होने लगेगा, और 10 से 15 दिन बाद में जो है अच्छा अंकुरण आप उसमें देख पाओगे कि लगभग 95% तक उसके अंदर अंकुरण हो गया है। जिन किस्मों की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 90% प्लस जो है अंकुरण होता है। मैं एक बता रहा हूँ क्रिकेट बॉल, जब पौधों का अंकुरण हो जाए तो उसके अंदर रिडोमिल नाम का जो फंगीसाइड आता है उसकी 15 लीटर टंकी के अंदर 5 से 7 ग्राम मात्रा आपको मिला करके उसके अंदर जो है आपको बढ़िया से ड्रेंचिंग कर देनी है। इस फंजीसाइड का ड्रेंचिंग करने से क्या होगा कि जो कवक जनित बीमारियां हैं जो नर्सरी में सामान्यतया होती हैं वो बीमारियां जो है इसके अंदर नहीं होगी, विशेषकर डंपिंग ऑफ जिससे नर्सरी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके के जो है पौधे आपको प्राप्त हो जाएंगे। पौधे जब लगभग 1 महीने के हो जाते हैं तो वो जो है प्रतिरोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ध्यान ये रखना है अपने को कि जब बीजों का अंकुरण हो जाता है तो अंकुरण के अंदर जो पौधे कई बार क्या अपन बीज जो बोते हैं तो पास में उग जाते हैं, पास में अगर अपने पौधे उग जाते हैं तो अपने को थिनिंग करनी होती है नर्सरी के अंदर। नर्सरी में जो है पौधों को थोड़ी थोड़ी जो है 5-7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चाहिए, है ना। नहीं तो क्या है, पौधे आपस में रगड़ेंगे तो पौधे जो है कमज़ोर मिलेंगे अपने को, और पौधे कमज़ोर मिलेंगे तो बाद में जो है उत्पादन पर जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। तो किसान भाइयों इस विधि से अगर आप पौधे तैयार करेंगे तो पौधे बहुत सुस्वस्थ और बढ़िया पौधे जो है तैयार हो जाएंगे। और आपको एक बात का और इसमें ध्यान रखना है, जैसे पौधों का अंकुरण होगा उस समय जो है इसमें कई बार खरपतवार भी उग जाते हैं, तो खरपतवारों को जो है मैनुअली आपको हल्के हाथ से उनको उठाना है ताकि पौधे की जड़ें जो है नहीं उखड़ें। और खेत में लगाने के कुछ दिन पहले आप जो है इसमें सिंचाई थोड़ी रोक देंगे तो पौधे क्या थोड़े हार्ड हो जाएंगे, तो खेत में लगाते कई बार क्या मरने के चांसेस रहते हैं। तो पौधों को थोड़ा पानी रोक देना 5-7 दिन के लिए, और उसके बाद में जैसे ही जब आप उखाड़ो उस टाइम पे जो है पानी देकर के फिर पौधों को आपको उखाड़ना है, शानदार तरीके से उखाड़ना है। उसकी जड़ें टूटनी नहीं चाहिए, जड़ें टूट जाती है तो फिर पौधा जो है व्यवस्थित तरीके से सेट नहीं हो पाता खेत के अंदर। तो पौध प्रतिरोपण आपको सावधानीपूर्वक करना है, और जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया कि कैसे लगाना है खेत के अंदर, तो इस तरह से अगर आप नर्सरी को तैयार करोगे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से जो आप नर्सरी तैयार कर पाओगे और जो है पौधे आपके बहुत अच्छे होंगे। धन्यवाद।